हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें दोस्तों अपने 7 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, टोटल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। अगर आप पीछे हैं तो 2 या 3 मॉडल पेपरों का टेस्ट देके रोजाना हमारे साथ में चल सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र और मात्र 1 घंटे के अंदर अपन है वो 150 प्रश्न करेंगे। दोस्तों देखिए, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर परीक्षा में देखने को मिलेगा। और 40 प्रश्न इसमें रीजनिंग के, 20 प्रश्न कंप्यूटर के, राजस्थान जीके के 45, महिला एवं बाल अपराध के 10 और इंडिया जीके और साइंस के 35 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर के टोटल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें रेशियो है वो कुछ भी हो सकता है, 30-30 का भी हो सकता है, 40-20 का भी हो सकता है। ठीक है, तो पिछली बार 30-30 का हुआ था। ठीक है, तो आपका सिलेबस तो इसमें पूरा कवर हो ही रहा है। रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट अवश्य दें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी, वो अपने को यहां पर ज्ञात करनी है। दोस्तों यहां पर देखिए, 3, 5, 8, 13, 22 आगे क्या आएगा वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों सीधा सा मैं यहां पे आपको बोलूं तो देखिए, 3 × 2 − 1, 3 × 2 − 1 क्या 5 आ गए? बिल्कुल सही है, 5 आ गए। 3 × 2 = 6, 6 में से 1 गया, 5 आ गए। ठीक उसी प्रकार यहां पे 5 है तो 5 × 2 − 2 कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 8 × 2, ठीक है, 8 × 2 − दोस्तों क्या हो गया? 3 हो गया इसमें। ठीक है, और 13 × 2 − 4, ठीक है, 13 × 2 = 26, 26 में से 4 गए तो यहां पर कितने आ गए? 22। ठीक उसी प्रकार 22 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 44। और 44 − 5 करना है, यहां पे देखिए माइनस करते हुए आ रहे हैं अपन, 1, 2, 3, 4, अब 5 माइनस होगा तो 44 में से 5 गए तो कितने बचे? 39। तो अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस प्रकार पहिया का संबंध बैलगाड़ी से है, उसी प्रकार सिपाही का संबंध किससे है? बताइए, सिपाही का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखिए, गाड़ी में यानी कि बैलगाड़ी में पहिया होता है, उसी प्रकार सेना के अंदर सिपाही होता है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी, वो अपने को यहां पर ज्ञात करनी है। दोस्तों यहां पर देखिए, 5, 3, 4 दे रखा है, इधर 7, 5 और 6 दे रखा है, 6, 4 और 5, और बीच में देखिए इसमें 29 दे रखा है, इसमें 41 दे रखा है और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहां पर क्या आएगा वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों सीधा सा यहां पर देखिए, 6 × 4 कितने होते हैं? 24, और ये नीचे 5 दे रखे हैं, प्लस कर दीजिए, ठीक है, कितने हो गए? 29। ठीक उसी प्रकार 7 × 5 35, 35 + 6 कितने होते हैं? 41, यहां पर 41 आ गए। उसी प्रकार यहां पर देखिए, 5 × 3 = 15, 15 और 4 कितने होते हैं? 19। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 19। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी, बताइए प्रश्न आकृति जो पूरी होगी वो कौन सी आकृति अगर अपन यहां पे लगाते हैं तो ये पूरी बन जाएगी। दोस्तों यहां पर देखिए, सीधा सा मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए ये एक तो यूं जाएगा सीधा और फिर एक ये यूं जाएगा, अब वो आकृति कौन सी है, फिर ये यहां पर एक स्टार बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें निम्नलिखित में से तर्क संगत क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा, यहां पर देखिए प्यूपा, लार्वा, पतंगा और अंडा। ठीक है, इसका क्रम अपने को जमाना है। दोस्तों सबसे पहले क्या होगा इसमें? सबसे पहले आएगा अंडा। ठीक है, अंडा आएगा, अंडा के बाद में दोस्तों इसमें क्या होगा? अंडे में से लार्वा निकलेगा, अंडे में से लार्वा निकलेगा। ठीक है, और लार्वा से दोस्तों क्या होगा? लार्वा से दोस्तों इसमें प्यूपा बनेगा,
ठीक है, प्यूपा निकलेगा और प्यूपा से दोस्तों फिर पतंगा बनेगा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अगला पद कौन सा होगा वो अपने को यहां पर ज्ञात करना है, जी एच, ठीक है, देखिए ई एफ जी एच, ठीक है, जी एच, और यहां पे देखिए फिर आई है वो गैप का छोड़ दिया, इसमें एक है गैप छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में देखिए जे के एल, इसमें दोस्तों कितने का गैप दे रखा है, इसमें 2 का गैप दे रखा है, यानी कि के एल, ठीक है, जे के एल, ठीक है। और आगे देखिए इसमें एन क्यों दे रखा है, और एन और क्यों के अंदर कितने का गैप है, तो दोस्तों यहां पे देखिए ओ पी क्यू, यानी कि इसमें कितने का गैप है, इसमें 3 का गैप है। देखिए शुरुआत में 1 का गैप है, उसके बाद में 2 का गैप, उसके बाद में 3 का गैप, उसके बाद में देखिए एस और डब्ल्यू के अंदर एस आता है 19 नंबर पे, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, कितने का गैप हो गया, 4 का गैप हो गया। वाई और डी के अंदर दोस्तों 5 का गैप है। अब दोस्तों आगे अपने किस कितने का गैप होगा, 6 का गैप होगा, कितने का गैप होगा, 6 का गैप होगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए एच और जे के मध्य कितने का गैप है, 1 का गैप है। एल और एन के मध्य इसके अंदर भी दोस्तों अपने को यहां पर देखिए 1 का गैप दिख रहा है, ठीक है। और यहां पे दोस्तों क्यू और एस के अंदर, ठीक है, क्यू और एस के अंदर भी आपको आर है वो बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। और डब्ल्यू और वाई के अंदर भी दोस्तों आपको एक्स है वो गैप दिखाई दे रहा है। तो यहां पर डी के बाद में 1 अक्षर गैप करना है ई नंबर का, और उसके बाद में एफ लिखना है, ठीक है। तो एफ में अगर अपन 6 जोड़ेंगे, एफ में अगर अपन 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 12, और 12 नंबर पे क्या आता है, एल। तो यहां पे एफ एल इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत तगड़ा प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिए श्रेणी 1, 2, 8, 33, 148 में लुप्त संख्या क्या है वो अपने को यहां पर क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए 1 दे रखा है तो 2 लाना है अपने को, 2 कैसे लेके आएंगे, तो दोस्तों यहां पे देखिए 1 × 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर देखिए 2, ठीक है, यहां पे देखिए सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पे इंटू करना है और इधर प्लस करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पे 2 + 2 × 2, ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहां पे 8 + 3 × 3, ठीक है, 8 + 3 × 3 कितने हो गए, 33 हो गए, ठीक है। उसी प्रकार यहां पे दोस्तों देखिए 33 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 148 आ जाएगा, और 148 + 5 × 5 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपके पास में इधर आ जाएगा, कितना, 765 आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 2 तारीख को रविवार है तो अगला रविवार कब आएगा, 7 जोड़ दीजिए 2 में, 9 तारीख को रविवार आएगा, फिर वापस 7 जोड़ दीजिए, अगला रविवार है वो दोस्तों 16 तारीख को आएगा, फिर अगला रविवार है वो दोस्तों कितना आएगा, 16 में 7 जोड़ दीजिए 23 तारीख को आएगा, ठीक है, और 23 में 7 जोड़ दीजिए तो अगला रविवार है वो दोस्तों 30 तारीख को आएगा। यहाँ पे 31 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछा है, तो 30 तारीख को रविवार है तो 31 तारीख को सोमवार होगा, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए वाई है वो कितने नंबर पर आ रहा है दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं वाई है वो 25 नंबर पर है, ठीक है, और यहां पर देखिए जो वी है वो कितने नंबर पर है, तो वी है वो 22 नंबर पर है। एस कितने नंबर पर है, एस 19 नंबर पर है। पी कितने नंबर पर है, पी 16 नंबर पर है। एम कितने नंबर पर है, तो यहाँ पे 13 नंबर पे है। अब अगले वाली संख्या क्या होगी वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे गैप चल रहा है, 25 में से 3 गए 22, 22 में से 3 गए 19, 19 में से 3 गए 16, 16 में से 3 गए 13, और 13 में से 3 गए तो दोस्तों कितने बचे, 10, और 10 नंबर पे दोस्तों कौन सा अक्षर आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जे है, जे
जो अक्षर है ये 10 नंबर पर आता है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, यदि यहां पर देखिए एक्स वर्तमान में 4 वर्ष बड़ा है, एक्स है ये दोस्तों वर्तमान में क्या है 4 वर्ष बड़ा है वाई से, ठीक है, किससे बड़ा है वाई से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:2 होगा, तो वर्तमान आयु क्या होगी वो अपने को यहां पर ज्ञात करनी है। सीधा सा है आंसर, आपको 3 और 2 के गुणज में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहां पे y का पूछा है तो 2 के गुणज में ही आंसर आएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं 3:2, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य गैप कितना है दोस्तों, 1 वर्ष का गैप है, यानी कि अगर मान लीजिए x है वो 3 वर्ष का है तो y है वो कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, लेकिन यहां पे 4 वर्ष बाद, ठीक है, तो सीधा सा है 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना जाएगा 12, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना जाएगा 8। दोनों के मध्य गैप कितना है दोस्तों, 4 वर्ष का दोनों के मध्य क्या है गैप है। यहां पर देखिए 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:2 हो जाएगा, यहां से काट लीजिए ये 4 से 3 बार कट गया, ये 4 से 2 बार कट गया, ठीक है, यानी कि 12 वर्ष और 8 वर्ष दोनों की आयु निकल कर आ गई। यहां पे क्या पूछा है कि y की वर्तमान आयु क्या है, y की वर्तमान आयु क्या है, तो दोस्तों देखिए y की वर्तमान आयु पूछा है तो इनमें से यानी कि 8 में से 4 घटा दीजिए, ये 4 वर्ष बाद की आयु है 12 और 8, ठीक है, अब इसमें से 4 घटा देंगे तो दोस्तों इसमें से 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8, और 8 में से 4 गए तो कितने बचे 4, ठीक है, तो ये वर्तमान आयु है दोस्तों 8 और 4। यहाँ पे y की पूछा है तो y 4 वर्ष का है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें नीचे दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत निकाला जा सकता है। देखिए कोई मैगजीन है ये दोस्तों क्या है कैप नहीं है, ठीक है, सभी कैप है वो क्या है कैमरा है। अब देखिए निष्कर्ष में देखिए कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, तो कोई कैमरा है वो मैगजीन नहीं है, गलत है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ कैंप है वो मैगजीन है, ये भी गलत हो गया, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों ही गलत है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, 5 किताबें ABCD और E एक मेज पर रखी है, यदि देखिए 5 किताबें आप यहां पर रख लीजिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 किताबें मेज के ऊपर रखी गई है, ठीक है, यदि डी बी के दाई ओर है, डी है ये बी के दाई ओर है, ठीक है, तो यहां पे सीधा सा मैं यहां पे अगर डी लिखता हूं तो बी आ गया यहां पर, ठीक है, यानी कि बी के दाई ओर है, सॉरी बी बी ए देखिए क्या पूछा इसने, यदि डी बी के दाईं ओर है तो यहां पे जो डी है, ठीक है, ये डी है ये दोस्तों कहां पर आएगा यहां पर आ गया, तो बी है वो कहां पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा दाईं ओर है, ई के बाईं ओर है, जो डी है वो ई के क्या है बाईं ओर है, तो दोस्तों ये यहां तक आ गया। अब देखिए ए, देखिए यहां पर ए सी और बी के बीच में बैठा है, ए है ये सी और बी के बीच में बैठा है, ठीक है, तो दोस्तों यहां पे देखिए ए है ये सी और बी के बीच में बैठा है, तो ये बैठ गए दोस्तों यहां पे 5, 1, 2, 3, 4, 5 बैठ गए, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए क्या पूछा गया है, तो मध्य में किताब कौन सी होगी, मध्य में किताब कौन सी होगी दोस्तों बी, छोर पे कौन सी होगी ई और सी होगी छोर पर, तो यहां पर मध्य का पूछा है तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख निम्न तीनों के बीच सही संबंध दर्शाता है, मरकरी मंगल ग्रह, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्रह के अंदर आपको मरकरी और मंगल है ये ग्रह ही है, तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संजय की आयु ज्ञात करना है। देखिए यदि पहला देखिए संजय की आयु अपने पुत्र राकेश से 20 वर्ष अधिक है,
ठीक है। राकेश अपनी बहन रितिका से 1 वर्ष बड़ा है, जो 1 वर्ष की है। रितिका कितने वर्ष की है? 1 वर्ष की। तो यहां पर देखिए राकेश, राकेश कितने वर्ष का आ गया? राकेश दोस्तों यहां पर 2 वर्ष का हो गया, ठीक है। और राकेश के यहाँ पे देखिए संजय की आयु अपने पुत्र राकेश से 20 वर्ष अधिक है, तो ये संजय कितने का हो गया? 22 का हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या ये आंकड़े पर्याप्त है संजय की आयु ज्ञात करने के लिए? तो बिल्कुल आंकड़े पर्याप्त है दोस्तों, दोनों ही आंकड़े आवश्यक है। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए एक गुल्लक में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मान 154 रुपए हो तो उसमें 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, वो अपने को यहां पर क्या करना है? ज्ञात करना है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं 1 रुपए का अनुपात यहां पर दे रखा है, 1 50 पैसे का दे रखा है, 2 और 25 पैसे का दे रखा है, 3। तो देखिए 1 रुपए का एक सिक्का है तो ये 1 रुपए प्लस 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो गया? 1 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये 1 रुपया हो गया प्लस यहाँ पे 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए? तो दोस्तों 0.75 पैसे हो गए। दोनों को जोड़ लीजिए, सॉरी तीनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें आ गया 2.75, कितना आ गया? 2.75। देखिए यदि उनका कुल मान 154 है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 154 के अंदर 2.75 का भाग दे दीजिए तो आपके पास में निकल के आ जाएगा कितना? 56 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 56 निकल के आ गया। अब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। 25 पैसे का अनुपात कितना है? 3। 56 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 168। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन, 25 पैसों की संख्या कितनी होगी? 68 होगी, 168 होगी, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? प्रश्न आकृति का दोस्तों यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होगा? सीधा सा है, ये वाला पार्ट है ये लास्ट की तरफ चला जाएगा और ये वाला पहले की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न देखिए, एक्स ने गोवा जाने के लिए कौन सी बस पकड़ी, एक्स ने कौन सी बस पकड़ी है गोवा जाने के लिए, वो अपने को यहाँ पर बताना है। कथन में देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, एक्स बस से चूक गया और अगली बस की प्रतीक्षा कर रहा था जो छूट चुकी बस से 10 मिनट बाद की थी। दूसरा देखिए, एक्स ने गोवा पहुँचने के लिए एयर टिकट बुक करने की योजना बनाई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्न में तो क्या पूछा गया है कि एक्स ने गोवा जाने के लिए कौन सी बस पकड़ी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर न तो पहला कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है, अपने को यह पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बस पकड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए 18 नंबर का। इसमें भी दोस्तों देखिए बताई देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये दे रखे हैं, ठीक है, इसमें प्रतीक और अक्षर दे रखे हैं। तो देखिए दिया गया क्रम विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो परिणामी अनुक्रम में प्रतीक से पहले और किसी अक्षर या संख्या के बाद प्रतीकों की संख्या क्या होगी, वो अपने को यहाँ पर क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों इसमें टोटल 3 आएंगे, ठीक है, 3 आएंगे, यानी कि अनुक्रम में प्रतीक से पहले और किसी अक्षर या संख्या के बाद प्रतीकों की संख्या होगी 3, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित अक्षर समूह का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए यूपी 15/84/7 दे रखा है, इसका जल प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा, देखिए सारे के सारे उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जल प्रतिबिंब होगा, ये डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को 64 लिखा जाता है तो कुमारी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये देखिए कुमार के है वो कितने नंबर पर आता है, क्या आता है 11 नंबर पर, ठीक है, प्लस
यहाँ पे देख सकते हैं यू है वो कितने नंबर पर आता है, यू आता है 21 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, ए 1 नंबर पर और आर है वो 18 नंबर पर। टोटल कितने हो गए? तो दोस्तों टोटल है वो 64 हो गए, ठीक है, कितने हो गए 64 हो गए, ठीक है, इनको प्लस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुमारी, तो कुमार तक तो यहाँ पे 64 दे ही रखा है आर का, और इसमें आई का और जोड़ लीजिए, आई कितने नंबर पर आता है, आई आता है 9 नंबर पर, ठीक है, 64 में 9 जोड़ दीजिए, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा, 64 में 9 जोड़ोगे तो 73 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगा, अंतिम स्थान पर कौन सा आएगा वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं जे आई ये दोनों, दोस्तों देखिए जे के बाद में आई दे रखा है, इधर ओ दे रखा है, इधर ओ दे रखा है, तो आई पहले आता है, ओ पहले आता है, तो दोस्तों पहले आई पहले आएगा, तो दोनों के अंदर ये पहले दूसरे नंबर पर ये दोनों सी और डी रहेंगे, इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अंतिम का पूछा है तो तीसरे और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा ये अपने को यहाँ पर पता लगाना है। देखिए जे के बाद में ओ दे रखा है, जे के बाद में ओ दे रखा है, यहाँ पे देखिए जे के बाद में दोस्तों डब्लू दे रखा है इसमें, और इसमें दे रखा है आई, ठीक है, तो आई पहले आता है कि डब्लू पहले आता है, तो दोस्तों आई पहले आता है तो आई है वो तीसरे नंबर पर हो जाएगा, डब्लू है वो चार नंबर पर हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति के फोटो की तरफ इशारा करते हुए महिला कहती है कि इस व्यक्ति की पत्नी यहां पर देखिए सीधा सा बता देता हूं, एक व्यक्ति की तरफ यानी कि फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इस व्यक्ति की पत्नी मेरी सास की इकलौती पुत्रवधू है, ठीक है, मेरी सास की क्या है, इकलौती पुत्रवधू है, तो दोस्तों ये दोनों क्या हुए, पति पत्नी हुए, तो सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा, औरत और पति के बीच में क्या संबंध हुआ, तो पति पत्नी का संबंध हुआ, तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पति पत्नी का इसमें संबंध है। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उपरोक्त चित्र में समकोण चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी, उपरोक्त चित्र में समकोण चतुर्भुजों की संख्या है वो क्या होगी, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समकोण चतुर्भुजों की संख्या दोस्तों इसमें कितनी होगी, 18 होगी, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, यदि नीचे दी गई व्यवस्था से एक घन बनाया जाए तो 5 बिंदु वाले फलक के सामने कितने बिंदु वाला फलक होगा वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, 5 के सामने क्या होगा वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए 1 के सामने 4 हो जाएगा, 1 के सामने क्या 4, 2 के सामने 6 हो जाएगा और 3 के सामने दोस्तों यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 के सामने क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, देखिए एक्स अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलती है, एक्स है वो 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलती है और फिर बाएं मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़ जाती है और स्कूल पहुंच जाती है, ठीक है, अंत में वो बाएं मुड़ जाती है और स्कूल पहुंच जाती है, तो बताइए उसका बताइए कि अब वह किस दिशा में उन्मुख है, तो कौन सी दिशा में उन्मुख है, तो सीधा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कौन सी दिशा में उन्मुख है, तो ये दक्षिण दिशा की ओर क्या है उन्मुख है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। आगे देखिए इसमें 26 नंबर का प्रश्न है, एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर है, पी है वो दोस्तों बाएं से क्या है 14वें स्थान पर है, ठीक है, क्यों दाएं से 7वें स्थान पर है, क्यों है वो दोस्तों दाएं से कौन से स्थान पर है, तो ये दोस्तों 7वें स्थान पर है, ठीक है, यदि पी और क्यू के मध्य 4 बालक बैठे हैं, पी और क्यू के मध्य 4 बालक बैठे हैं, इनको जोड़ लीजिए आपस में, 7 और दोस्तों 14 कितने होते हैं, तो 7 और 14 होते हैं दोस्तों कितने 20, और इनके मध्य दोस्तों 4 बालक बैठे हैं, तो 20 और 4 कितने होते हैं 24, 20 और 4 कितने होते हैं 24, ठीक है, तो यहां पर सॉरी देखिए क्या पूछा है, इसमें 4 बैठे हैं, ठीक है, 14
पी बाएं से 14वें स्थान पर है, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है और पी और क्यू के बीच में चार बालक बैठे हैं। ठीक है, तो यहां पर सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए 14 और 7 कितने होते हैं 20, 20 और 4 कितने होते हैं 24। ठीक है, तो यहां पर पी बाएं से 14वें स्थान पर है, ठीक है, बाएं से 14वें स्थान पर है और क्यों है वो दाएं से 7वें स्थान पर है, दोनों के मध्य दोस्तों चार बालक बैठे हुए हैं, तो 7 और 14 21, 21 और 4 कितने होते हैं 25, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें श्रेणी यहां पर देखिए 1, 2, 4, 8, 16, तो यहां पे डबल डबल हो रहे हैं दोस्तों, 2 का 4, 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, तो 16 का क्या होगा 32, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 32। आगे देखिए, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 432 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार यह दूरी कितने घंटे में तय करेगी वो अपने को यहां पर ज्ञात करना है दोस्तों। 432 के अंदर 48 का भाग दे दीजिए, सीधा सा आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 432 में 48 का भाग दोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 9 घंटे। ठीक है, तो इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिस प्रकार खिड़की का संबंध फलक से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे है दोस्तों, खिड़की में फलक होते हैं उसी प्रकार पुस्तक में दोस्तों क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों वो है पृष्ठ होते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहां पर देखिए पीले रंग से एक घन को बराबर आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है, कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हो दोस्तों, इसका सूत्र है एक सतह का रंगी वाला सूत्र, रंगीन वाला सूत्र है वो है दोस्तों एन, यहां पे देखिए एन माइनस टू का स्क्वायर माइनस सिक्स, तो यहां पे देखिए, तो यहां पे दोस्तों घन दे रखा है ये, ठीक है, तो 3 का क्यूब हो रहा है यहाँ पे 27, तो यहाँ पे n आ गया कितना 3, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6, तो माइनस करेंगे 3 में से 2 गए तो 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और माइनस 6 दे रखा है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें कौन सा 6 आएगा इसमें, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कपड़ा धोने के लिए दोस्तों अपन साबुन का प्रयोग करते हैं और साबुन को यहां पर क्या कहा गया है स्याही कहा गया है, तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से असंगत को चुनिए, असंगत को अपने को यहां पर क्या करना है चुनना है, यहां पर देखिए मोजा चूड़ी अंगूठी और दस्ताना, देखिए चूड़ी अंगूठी और दस्ताना ये तीनों चीज है वो हाथ में पहने जाते हैं, किसमें पहने जाते हैं हाथ में, जबकि मोजा है ये पैर में पहने जाते हैं, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो अपने को यहां पर क्या करना है ज्ञात करना है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए आई, आई कितने नंबर पर आ रहा है दोस्तों, तो देखिए सीधा सा मैं यहां पे बता दूं, तो देखिए पहला और तीसरा, पहला के बाद में तीसरा आई जे फिर के, यहां पे देखिए एन ओ पी, ठीक है एस टी यू, ठीक है एस टी यू, अब दोस्तों इतना तो पता चल गया आपको कि यू बनेगा ये, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, उसके बाद में ये यहां पर आएगा, ठीक है, तो सीधा सा मैं यहां पर आपको बताऊं, देखिए जे और एन, ठीक है जे के एल एम एन, कितने का गैप है दोस्तों 4 का गैप है, और यहां पे देखिए पी क्यू आर एस, इसमें भी दोस्तों कितने का गैप है 4 में 4 का, तो टी में भी दोस्तों क्या होगा 4 का गैप होगा, तो इसमें यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स से शुरू होगा, तो यहां पे दोस्तों पहले क्या आ जाएगा एक्स के बाद में इधर पहले जेड आ जाएगा और बाद में वाई आ जाएगा, तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए यदि भाग, यहां पे देखिए यदि ए का यानी कि ए है वो भाग को दर्शाता है, बी प्लस को दर्शाता है, सी माइनस को दर्शाता है और डी
इंटू को दर्शाता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए 24 ए भाग को दर्शाता है, तो 24 भाग 6 यहां पर देखिए डी किसको दर्शाता है, इंटू 4, ठीक है, इंटू 4, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देखिए बी है, ये किसको दर्शाता है, बी प्लस को दर्शाता है, तो प्लस 9, और सी है ये किसको दर्शाता है, सी माइनस को दर्शाता है, तो माइनस 8। तो यहां पे सबसे पहले भाग दिया, तो दोस्तों 24 में 6 का भाग दिया तो कितने आए, 4, तो 4 इंटू 4 हो जाएंगे, तो 4 इंटू 4 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 24, 24 प्लस 9 माइनस 8 कर लीजिए, तो दोस्तों 24 प्लस 9 माइनस 8, सॉरी 4 इंटू 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है, 4 इंटू 4 कितने होते हैं, 16, तो 16 प्लस 9 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस 9 में से 8 गए तो कितना बचा, 1, तो सीधा सा हो जाएगा इसमें 16 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 17, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज तथा कितने वर्ग हैं। दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको दिख जाएंगे दोस्तों, इसमें टोटल जो त्रिभुज होंगे वो 44 त्रिभुज होंगे और 10 इसमें क्या होंगे, वर्ग होंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप त्रिभुज को छोड़ दीजिए, वर्ग को गिन लीजिए, आपका सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि वर्ग यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 11 5, 1 11 6, 1 11 7 और 1 11 8, एक ये पूरा 9 बन गया और एक ये पूरा 10 बन गया, 10 वर्ग हैं इसमें टोटल, तो आप वर्ग को गिन लीजिए, त्रिभुज आपसे नहीं गिने जाएंगे, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए दर्पण है वो ऊपर की तरफ दे रखा है, ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि इसका जो मुख है वो दोस्तों ऊपर की तरफ हो जाएगा, इसका मुख है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नांकित आरेख में वृत्त ग्रामीण व्यक्तियों को, आयत ईमानदार को, वर्ग मेहनती एवं त्रिभुज शिक्षित वर्ग व्यक्तियों को दर्शाता है। आकृति में ग्रामीण शिक्षित व्यक्ति जो कि मेहनती है किंतु ईमानदार नहीं है को दर्शाने वाला अंक कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आयत है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर आयत दिख रही है दोस्तों, ये क्या है, आयत है, ठीक है, और ये आयत क्या है, यह आयत दोस्तों ईमानदार, और अपने को यहां पर क्या पूछा है कि ईमानदार नहीं है, यानी कि इसके अंदर तो दोस्तों यहां पे कितने दे रखे हैं, 8, 11, 15 और 14, ये तो उत्तर नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। अब यहां पे क्या पूछा है कि शिक्षित व्यक्ति जो कि मेहनती है, अब मेहनती दोस्तों वर्ग का दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं, इसमें जो 12 दे रखा है ना वो अपना क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए रोहन 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, रोहन है वो क्या करता है दोस्तों, 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, इसके बाद वह बाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, बाएं घूमकर 2 किलोमीटर है वो चलता है, इसके बाद वह बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में दोस्तों बाएं घूमकर ये क्या करता है, 3 किलोमीटर चलता है, तदनुसार वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर पहुंच जाता है, तो कितने किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। राइट आंसर देखिए दोस्तों इसमें, सॉरी इसमें देखिए दोबारा से देखिए इस प्रश्न को, रोहन 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है, इसके बाद वह बाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, बिल्कुल सही है, वह दोबारा बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और उसके बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये दोस्तों टोटल 4 बार चलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो 2 है ही, ये पूरी टोटल कितनी है, 3, तो यहाँ पर बचा कितना, 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है, पूर्व की तरफ चला गया है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को सही चित्रित करता है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्य अलग है ग्रह, पृथ्वी अलग है, समुद्र है वो पृथ्वी पर है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों? इसका सीधा सा हो जाएगा, जल है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। ये दोस्तों ऐसा कैसा ही रहेगा, सेम टू सेम। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसमें ए है वो चेंज हो जाएगा और एक्स भी इसमें ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 41 नंबर का प्रश्न है। अब अपन कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप कोई मेन्यू खोले और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मेन्यू स्टाइल को फिर से क्लिक करें और मेन्यू को बंद करने के लिए कुंजी दबाएं, तो कौन सी कुंजी दबाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्केप। एस्केप की कुंजी आती है ना, ई एस सी वाली, ठीक है। ये एस्केप की कुंजी है, वो अपन दबाएंगे तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें विंडोज मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर है ये दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये सिस्टम में आता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है? रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस क्षमता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डायरेक्ट एक्सेस। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, डाटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज डिवाइस मीडियम से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है। डाटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज डिवाइस मीडियम से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डाटा ट्रांसफर रेट। डाटा ट्रांसफर रेट डाटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज डिवाइस मीडियम से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है। प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट यानी कि सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कनेक्शंस को एक नई फाइल में रखता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें स्टोरेज। यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डाटा को दोस्तों स्टोरेज में रखा जाता है, यहां पर कंपाइलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने के लिए किस प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको कहते हैं स्टोरेज। तो यहां पर अपना सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्टोरेज। आगे देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है? निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्पीकर। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्पीकर। 48 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, ईमेल संप्रेक्षण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तृत रूप है। BCC का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आगे देखिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, MS पेंट में किसी भी तस्वीर को फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता। MS पेंट में किसी भी तस्वीर को फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें AVI में, ठीक है। बाकी इमेज से संबंधित होता है दोस्तों BMP, JPEG और PNG, लेकिन यहाँ पे AVI है, ये वीडियो से संबंधित है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए OS की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मल्टीटास्किंग कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, मल्टीटास्किंग। आगे देखिए, यहां पर संक्षिप्त रूप फेट का विस्तृत रूप है, तो FAT, ठीक है, FAT
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हैंगरी कंपोनेंटों को आइडल रखने पर होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइबरनेशन। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाइबरनेशन। ठीक है, आगे देखिए, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एडिटिंग। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एडिटिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एमएस ऑफिस में किसी शब्द के समानार्थक जानने के लिए उपयोग में लाते हैं। एमएस ऑफिस में किसी शब्द के समानार्थक जानने के लिए उपयोग में लाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें क्या, तो दोस्तों लैंग्वेज और थ्रेसस। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल के लिए गलत तरीके से लिखा गया है, तो कौन सा फॉर्मूला एक्सेल के लिए दोस्तों गलत तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए 97 + 45 ये गलत तरीके से लिखा गया है। एक्सेल के फॉर्मूले में शुरुआत में बराबर लगाना पड़ता है दोस्तों, यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 57 नंबर का प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए, तो एनिमेशन के टैब में इसे स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में चेक बॉक्स में क्लिक करें, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन से में, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली ऑप्टर चेक बॉक्स में क्लिक करना है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहां पे देखिए, इनमें से कौन डिजिटल केस प्रोवाइडर साइट है, इनमें से कौन डिजिटल केस प्रोवाइडर साइट है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों checkout.google.com। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, ऐसी डिस्टिंक्ट आइटम है जिनका दिए गए संदर्भ में बहुत अर्थ नहीं होता, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे फील्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, फील्ड। आगे देखिए, अनसोलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, अनसोलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा स्पेम कहते हैं उसे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, स्पेम कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अब दोस्तों अपने जो 35 प्रश्न है वो जनरल साइंस और इंडिया जीके से संबंधित ये प्रश्न है वो अपन करने जा रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें हीरा। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरा है ये विद्युत का चालक है? नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 62 नंबर का प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो सभी को पता होगा दोस्तों, काला दिखाई देता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, काला। आगे देखिए, ग्लाइकोजन का संचय होता है, ग्लाइकोजन का संचय होता है तो दोस्तों ये यकृत एवं पेशियों में होता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, यकृत एवं पेशियों में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, बताइए, निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सल्फर गंधक, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सल्फर गंधक। आगे देखिए, सांस्कृतिक विरासत के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, अनुच्छेद 17 में क्या है, तो दोस्तों छुआछूत से संबंधित है, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, ये सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शराब में उपस्थित रहता है, तो दोस्तों शराब में क्या उपस्थित रहता है, राइट आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल उपस्थित रहता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सी है वो रेखा, वो है दोस्तों मैकमोहन रेखा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोर्नियो जो द्वीप है ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखिए, भारत में नवरोज त्योहार कौन मनाते हैं, भारत में नवरोज त्योहार है ये कौन मनाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा पारसी मनाते हैं नवरोज त्योहार, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
भारतीय रेलवे तत्काल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग हेतु पे ऑन डिलीवरी सेवा का शुभारंभ किस कंपनी ने किया है? भारतीय रेलवे तत्काल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग हेतु पे ऑन डिलीवरी सेवा का शुभारंभ किस कंपनी ने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए एंड्यूरियल टेक्नोलॉजी, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मैडम भिकाजी कामा ने। मैडम भिकाजी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है वो तैयार किया था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्ती सारणी का निर्माण किया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्ती सारणी का निर्माण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मेंडलीफ ने। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेंडलीफ ने आवर्ती सारणी का निर्माण किया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों इसमें देखिए संसदीय प्रणाली है ये इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है, यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों कर्नाटक में, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्नाटक में। आगे देखिए, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है किसको? कोसी को कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? यह ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मिनी माता रोग का कारण है? मिनी माता रोग का कारण है तो वो है दोस्तों पारा, यानी कि दूषित जल, तो यहां पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद, ठीक है, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। आगे देखिए, चार विलयनों ए बी सी डी का पीएच मान क्रमशः 2, 4, 5 और 5.5 है, इसमें से न्यूनतम अम्लीय कौन है? तो दोस्तों न्यूनतम अम्लीय है वो 5.5 है, 5.5 किसका है? डी का है, तो अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7 से ऊपर रहता है तो वो होता है क्षारीय मान, 7 से ऊपर रहता है तो वो होता है क्षारीय मान, और 7 से कम होता है तो वो होता है दोस्तों अम्लीय, और दोस्तों फिक्स 7 रहता है तो वो होता है उदासीन, ठीक है। तो यहां पर 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होता है, तो यहां पे सबसे जो कम है तो वो 5.5 है और सबसे ज्यादा 2 है, ठीक है, यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? तो दोस्तों भारत शब्द है वो 2 बार आया है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं दोस्तों संवेग, संवेग बोलते हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वाट, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वाट। आगे देखिए, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आइन एक अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अबुल फजल, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अबुल फजल। आगे देखिए, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जा सकता है? विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एमीटर, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी से गुजरने पर बनता है? ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर बनता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ओला बनता है, तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ओला। आगे देखिए, पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दोस्तों जड़ के द्वारा, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भार, सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही भार। आगे देखिए, सत्वाहनाश को पुराण में भी कहा गया है, सत्वाहनाश को पुराण में भी कहा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आंध्रास, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आंध्रास। आगे देखिए, वर्षाय संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? वर्षाय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों 1919 में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गंगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गंगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प को सतह क्षेत्र की दृष्टि से सामान्य सबसे बड़ा समुद्र माना जाता है? निम्नलिखित में से किस विकल्प को सतह क्षेत्र की दृष्टि से सामान्य सबसे बड़ा समुद्र माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पैसिफिक, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पैसिफिक। आगे देखिए, गर्ल विद ए पर्ल इयररिंग किस प्रसिद्ध कलाकार की कलाकृति है? गर्ल विद ए पर्ल इयररिंग किस प्रसिद्ध कलाकार की कलाकृति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोहान्स वमीर, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जोहान्स वमीर। आगे देखिए, मिहिर सेन किस खेल से जुड़े हुए हैं? मिहिर सेन है वो कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा तैराकी से संबंधित है दोस्तों ये, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम 2009 कब से लागू किए गए? अब दोस्तों ये महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 20 जनवरी 2010 से, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एसिड अटैक के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों से पीड़ित महिला के उपचार एवं पुनर्वास के लिए कितनी राशि के प्रावधान की बात कही गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख रुपए, यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3 लाख रुपए। आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 940, ठीक है, यहां पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही 940। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा सुश्री जयंती पटनायक है, ये प्रथम अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार सीआरपीसी की धारा 374 के अंतर्गत किसी अभियुक्त के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 व 376 से संबंधित अन्य धाराओं के अंतर्गत यदि दंडादेश के विरुद्ध अपील की गई है तब ऐसी अपील का निपटारा कितनी समय अवधि के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 6 माह के अंदर किया जाना आवश्यक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ए ने अपनी पत्नी को पीटा, वह बेहोश होकर गिर पड़ी, उसको मृत समझकर और स्वयं को हत्या के लिए पकड़े जाने के बचने के लिए ए ने पत्नी को रस्सी से पंखे से लटका दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मृत्यु लटकने से हुई है, ए दोषी है, ए दोषी है तो दोस्तों आपराधिक मानव वध के लिए दोषी है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ए बी को सी की हत्या के लिए उकसाता है, बी सी पर आक्रमण करता है लेकिन सी बच जाता है, केवल उसे साधारण चोट आती है, ए ने निम्न अपराध किया, तो ए ने कौन सा अपराध किया? तो दोस्तों भारतीय दंड विधान की धारा 115 के अंतर्गत इन्होंने अपराध किया है ए ने, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पोक्सो अधिनियम 2018 में हुए संशोधन के अनुरूप निम्न में से किस आयु के यानी कि किस आयु से कम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपी को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची को, ठीक है, यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 26 सितंबर 1994, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदू विवाह कानून किस वर्ष में पारित हुआ? हिंदू विवाह कानून किस वर्ष में पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1955 में, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1955 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ
की नगरी के तौर पर जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीनमाल, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर भीनमाल। आगे देखिए 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे, 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मास्टर आतिंद्र जी, मास्टर आतिंद्र जी, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्य में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री के द्वारा, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए झालावाड़ जिला किस राज्य के निकट स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मध्य प्रदेश के निकट है, ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर मध्य प्रदेश के निकट। आगे देखिए लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थस्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है, बांसी दुगारी है ये दोस्तों बूंदी में है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए खेतलाजी का मेला कहां पड़ता है, खेतलाजी का मेला पड़ता है दोस्तों पाली में, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे, तो कौन है कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यदुनाथ सिंह, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है खेती में जिप्सम का उपयोग, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें पद्मिनी किसकी पुत्री थी, पद्मिनी है वो किसकी पुत्री थी, तो दोस्तों सिंहलदीप के नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी, माँ का नाम चंपावती था, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल करवाता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए विश्व प्रसिद्ध अदरक प्रिंट निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है, अदरक प्रिंट है ये दोस्तों बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तिलवाड़ा झील किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तिलवाड़ा झील है ये दोस्तों कहां पर है, तो ये गगर नदी के मुहाने पर स्थित है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अरावली पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं, अरावली पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं तो वो कौन कौन से दर्रे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए देसूरी दर्रा हाथी दर्रा ये दोनों दर्रे हैं ये दोस्तों अरावली पर्वतमाला के दर्रे हैं, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा करवाया गया, तो दोस्तों प्रतिहार शासकों के द्वारा किया करवाया गया, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बेबलों से आशय है, बेबलों से आशय क्या है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दो सिंगों वाला एक कृषि उपकरण है उसको बोलते हैं बेबलो, ठीक है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नसीराबाद सैनिक छावनी किस जिले में स्थित है, अजमेर में है ये, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है, राइट आंसर हो जाएगा गोटारू में मिलती है दोस्तों ये, ए नंबर ऑप्शन सही। नागौर का प्राचीन नाम क्या था, नागौर का प्राचीन नाम अही छत्रपुर था, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कातली नदी का उद्गम स्थल है कौन सी पहाड़ियां है, राइट आंसर हो जाएगा खंडेला पहाड़ियां, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल कहाँ है, राजस्थान में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल कहाँ है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नसीराबाद अजमेर में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्य में गुआर गम पाउडर उद्योग का प्रमुख केंद्र है, राज्य में गुआर गम पाउडर उद्योग का प्रमुख केंद्र है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है, जूनागढ़ किला है ये दोस्तों कहाँ पर है, बीकानेर में है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जूनागढ़ कहाँ पर है, बीकानेर में, ठीक है। आगे देखिए इसमें कायम राशोकृति किसने लिखी थी, कायम राशोकृति लिखी थी दोस्तों किसने, तो ये जान कवि ने लिखी थी, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर, तो ये भवानी मंडी में स्थित है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ये टोंक में है। आगे देखिए लंगा से आशय है, लंगा से क्या आशय है, तो दोस्तों ये गाने बजाने वाली एक मुस्लिम जाति है लंगा, तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो कार्यकारी राज्यपाल कौन नहीं रहे, राइट आंसर हो जाएगा इसमें अंशुमान सिंह है, ये कार्यकारी राज्यपाल है वो नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर
डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था, वो विद्वान था दोस्तों जी ए ग्रियसन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई, नौलखा बावड़ी किसने बनवाई, तो दोस्तों रानी प्रिमल देवी ने बनवाई थी ये। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते, तो मंत्री के विरुद्ध कर सकते हैं, जिला परिषद के जिला प्रमुख के विरुद्ध कर सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाले तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी निगम में कार्यरत व्यक्ति के विरुद्ध जांच कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के विरुद्ध है वो जांच नहीं कर सकते। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई, तो दोस्तों राजस्थान ने अपनी वन नीति है ये 2010 में अपनाई। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़। अजमेर का जो किला है वो गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है, तो दोस्तों रणथंभौर के किले में स्थित है ये त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मंदिरों और स्थानों या जिलों के निम्नांकित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। तनोट माता मंदिर जैसलमेर में है, सही है। उषा मंदिर बयाना में है, सही है। जगत शिरोमणि मंदिर है, ये टोंक नहीं है दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर है ये आमेर जयपुर में है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये असंगत दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए, राजपूत वास्तुकला का निम्नांकित में से कौन सा स्मारक है, कछवाहा यानी कि कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों आमेर दुर्ग। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजर समुदाय से संबंधित है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है चरी नृत्य, ठीक है, ये गुजर समुदाय से संबंधित है ये चरी नृत्य। आगे देखिए, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या, जोधपुर का लोकप्रिय नाम राइट आंसर हो जाएगा नीली नगरी, नीली नगरी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1303 में, ठीक है। चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, 1303 पर किया था, यानी कि 1303 ईस्वी में। उस समय शासक कौन था, रतन सिंह था, ठीक है, रानी पद्मिनी, ठीक है। आगे देखिए, किस चाहमान यानी कि चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशनपुर की स्थापना की, बिशनपुर की स्थापना की थी दोस्तों किसने, राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसको बिशलदेव के नाम से भी जानते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भील समुदाय से संबंधित है। आगे देखिए, इसमें 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया, ये तो सभी को पता होगा, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था, बताइए सुनहरी कोठी का निर्माण है वो किसने करवाया, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा दिग्व ने करवाया था दोस्तों ये टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण करवाया था राजा दिग्व ने। ये मैंने आज आपको 8वां नंबर का जो मॉडल पेपर है ये कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए। कल अपना 9वां नंबर का आएगा, और अगर आपने पिछले 9 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फोल्डर का नाम है दोस्तों राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर 2022 के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।